फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे आज के हम सभी के साथ इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि आप सभी के IIT जे मेंस एग्जामिनेशन को लेकर। जी हाँ, काफ़ी बड़ी अपडेट आज आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हम बात करेंगे आज आप सभी के साथ सेशन 2 का अप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने जा रहा है। जी हाँ, जिन भी कैंडिडेट्स ने सेशन 1 का एग्जामिनेशन दे दिया है या फिर जिन भी कैंडिडेट्स से सेशन 1 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, वो सभी कैंडिडेट्स बहुत समय से वेटेड हैं कि हम सभी का फॉर्म कब से रिलीज़ किया जाने वाला है। जी जैसा कि आपने कल देखा कि कल मॉर्निंग में रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया था IIT JEE की तरफ से, JNTA ने जो आप सभी की एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया था। तो आप सभी के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सेशन 2 जो IIT JEE मेंस का है उसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं फिलअप होना। जी हाँ, इनिशियल अपडेट्स जो थी जिसको लेकर मैंने कल एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है कल नाइट से या फिर आज से यानी कि 8 फेब से मैक्सिमम चांसेस है कि फॉर्म अप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जी हाँ, इसी को लेकर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्या सभी कैंडिडेट्स फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे या फिर जिन भी कैंडिडेट्स ने फर्स्ट सेशन में अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया तो क्या सेकंड सेशन में वो अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे या फिर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे हो ये जो समय क्रूशियल टाइम है क्योंकि आप जानते हो जो सेशन 2 होने वाला है ये सेशन 2 जैसे कि आपने देखा जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया जाएगा सेशन 2 का, तो ये सारी चीज़ें NTA ने पहले से डिक्लेयर कर दी हैं। जी हाँ, फरवरी में ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म आज से यानी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 8 फेब की नाइट से चांसेस है कि अपडेट हो जाएगा लिंक और आज से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और ये मार्च की किसी डेट तक होगा जो आप फॉर्म फिलअप करोगे और आपका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा वो आप सभी का एग्जामिनेशन मार्च के फर्स्ट वीक तक तो आप फॉर्म फिलअप करोगे और लास्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जामिनेशन सिटी और सेंटर NTA आपको अलॉट कर देगा मार्च के लास्ट वीक तक। और साथ साथ हम बात करें जो आपका सेकंड सेशन होने वाला है वो आप सभी के अप्रैल मंथ में कंडक्ट कराया जाने वाला। जी हाँ, पहला सेशन जो था IIT JEE का आप सभी का जनवरी सेशन में जनवरी मंथ में हुआ था और जो आपका सेशन 2 है इस बार का जो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए आप इसमें से जो वेटेड कर रहे हो तो उसका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा अप्रैल में। मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं जो 6 फेब से जो 6 अप्रैल टू 11th या 12th अप्रैल तक जो इनिशियल अपडेट्स थी पहले जो NTA ने सारे में जो डेट शेड्यूल रिलीज़ किया था उसी में उन्होंने बता रखा था कि आप सभी के 11th और 12th के आसपास आप एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपका रिजर्व डेट भी है 12th अप्रैल 2023 तक आप सभी के सेशन 2 के IIT JEE मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा NTA के द्वारा। जी हाँ, ये कुछ अपडेट हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये तो आप सभी को प्रायर नॉलेज होगी। तो अब मैं चलता हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्या आप सभी फॉर्म को फिलअप कर पाओगे या फिर जिन भी कैंडिडेट्स ने सेशन 1 में अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया था तो क्या वो सेकंड सेशन में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी वजह से किसी इनिशियल कॉजेस की वजह से उन सभी ने अप्लीकेशन फॉर्म सेशन 1 का फिलअप नहीं कर पाए थे। तो आप सभी को बता दूँ ऐसा कोई भी रूल रेगुलेशन NTA ने पहले नहीं किया था, ना पहले के सेशंस में लास्ट ईयर ना फिर इस ईयर। आप सभी फर्स्ट टाइम अगर आप फर्स्ट टाइम एक तरीके से इनिशियल भी आप स्टार्ट करना चाहते हो सेकंड सेशन जिनके इन्होंने आप फॉर्म फिलअप पहले नहीं किया था तो आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जी हाँ, मैंने डाउट क्लियर कर दिया। सेशन 2 में जिन्होंने फर्स्ट सेशन अटैम्प्ट नहीं किया है तो आप सेकंड सेशन में भी आप अपीयर हो सकते हो। जी हाँ, सारे आपके पास डॉक्यूमेंट डिटेल्स होनी चाहिए बट सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप तैयार रहिएगा। जैसे फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा फॉर्म फिलअप करना मैं आपको अपडेट कर दूंगा और जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ, ये सेशन 2 को लेकर मैंने आपको बता दिया और आप सभी बस इस बात को फोकस करिए कि आप सभी को सिर्फ स्टडी करना है, आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए सिर्फ स्टडी करना, जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं उस पर फोकस करिए क्योंकि फोकस जितना आप करोगे उतना ही बेटर होगा और आप सभी के एग्जामिनेशन क्लियर होने के मैक्सिमम चांसेस है। क्योंकि जानते हो कट ऑफ जो है वो बहुत ही हाई जाने वाली है इस बार के सेशन को लेकर। जी हाँ, क्योंकि और साथ साथ आपने ये भी देखा होगा
जो क्वेश्चन किस तरीके क्वेश्चन के जो व्यूज़ जो स्टूडेंट्स के द्वारा लिए गए थे, जो आपका पेपर जो ऑनलाइन कंडक्ट किया गया था सेशन फर्स्ट वाला, तो उसको आपने देखा होगा। इनिशियली आप पहले क्वेश्चंस को एक तरीके से गो थ्रू करिए और उनके कॉन्सेप्ट्स को फोकस करिए। देखिए जितना आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे उतना बेटर होगा आप सभी के सेशन टू में आपको अच्छे स्कोर करने के लिए। जी हाँ, सबसे पहले आपको याद करना है, ध्यान रखना है, जब भी जिस भी कैंडिडेट को एडवांस में अपियर होना है, IIT JEE मेंस के एडवांस में जिनको स्टूडेंट्स को अपियर होना है एडवांस के लिए, तो आप सभी को सिर्फ डिटरमाइन कर स्टडी करना होगा और फोकस करना होगा सिर्फ वो पर्टिकुलर टॉपिक्स जिन टॉपिक्स को लेकर सेशन वन में क्वेश्चन आपसे पुटअप किए गए थे, क्योंकि ये सेकंड चांस जो है आपका गोल्डन चांस हो सकता है आपके एडवांस में अपियर का सीट को लेकर। और साथ साथ यहीं से आप सभी का IITians का जो सपना होगा मेन IITs में एडमिशन्स लेने का, वहाँ पर आप फिल हो पाएगा आपका ड्रीम और आपके सक्सेस को लेकर। तो ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ फोकस करिए अपने स्टडीज़ को लेकर, और जिन भी कैंडिडेट्स के बोर्ड एग्जामिनेशन है तो आप सभी को बोर्ड एग्जामिनेशन दोबारा नहीं आएगा, तो आप साथ साथ इतना तो फोकस करना ही, साथ साथ आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ आप सभी कैंडिडेट्स बोर्ड एग्जामिनेशन को भी लेकर फोकस रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन जो है इससे पहले कंडक्ट कराए जाने वाले हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन में जो टॉपिक्स आप सभी को गो थ्रू करना है उस पर एकदम फोकस रखिएगा। जो भी टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे हो कमेंट करके पूछिए, आप सारी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। या क्या पैटर्न होने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आप अपीयर होने वाले हो इस बार 2020-23 में, क्योंकि आप सभी भी कैंडिडेट वो आप सभी वो ऐसे कैंडिडेट्स हो जिन्होंने इस बार क्लास टेंथ जो आपका जो क्लास टेंथ कोविड की वजह से आप सभी प्रोमोटेड स्टूडेंट्स हो, जो इस बार की जो बैच है क्लास ट्वेल्थ की, वो सभी को फर्स्ट एक्सपीरियंस आप करने जा रहे हो बोर्ड एग्जामिनेशन का, क्या प्रेशर होने वाला है। तो इस सभी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ डिटरमाइन रहिए अपने गोल को लेकर, अपने फोकस रखिएगा। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगी हम रेगुलर टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। फॉर्म अप्लीकेशन बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैक्सिमम चांसेस है कि आज नाइट तक लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा NTA की तरफ से, क्योंकि आप जान रहे हो कल का जो डे था जिसमें आप सभी कैंडिडेट्स उसको अपने रिजल्ट को चेक कर रहे थे, इस वजह से हजल ना हो किसी तरीके से, साइट क्रैश ना हो, इस वजह से NTA ने मैक्सिमम चांसेस था कि वो लिंक एक्टिवेट वहाँ पर उन्होंने अपने साइट पर नहीं किया था। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आज आफ्टरनून या फिर नाइट तक आप सभी की जो लिंक एक्टिवेट कर दिए जाएंगे और फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। जो फिर ये अपडेट थी, जो क्रूशियल अपडेट थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसी तरीके की हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल अभी अपडेट पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले इस वीडियो को सभी कैंडिडेट्स को शेयर कर दीजिए जिससे सभी कैंडिडेट को ये नॉलेज हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।